तो गाइस आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रोहित गेमिंग पर। तो आज हम खेलने जा रहे हैं मेरा माइनक्राफ्ट का सर्वाइवल वर्ल्ड एक और बार। तो गाइस मैंने आपको एक बात बतानी है, जड़ी मेरी ब्रेन कोड की वीडियो थी जो कि मैंने अभी भी बनाई है ना, वो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। तो अभी मैंने जो ब्रेन कोड की सीरीज स्टार्ट की है, ज़्यादा लेवल्स भी नहीं हुए थे, 2 लेवल हुए थे, वो भी दिमाग ख़राब हो गया था करने में। और भाई 7th लेवल तो कुछ पल्ले नहीं बढ़ रहा मेरे को। लास्ट टाइम मैंने मेरे ख्याल से 5 लेवल कर लिए थे, 5वें पे था है ना। तो मैंने 2 लेवल किए हैं, मेरे को इतना याद है। तो उसके बाद जड़ा लेवल आया है वो भाई होना ही नहीं मेरे से, मेरे को लग रहा है। कुछ नहीं समझ आया, मैंने हिंट भी ले लिया उसमें, कुछ नहीं पल्ले बढ़ रहा उसका। तो आप कमेंट में बता देना ज़रा उसके बारे में। और एक और खुशखबरी भी है, जड़ा ये मेरा सर्वाइवल का वर्ल्ड है। और यार मेरे को ना अभी एकदम से मैं वर्ल्ड के अंदर एंटर हुआ, मेरे को भलेखा सा पड़ा कि यहाँ पे क्रीपर है। क्रीपर क्या कह रहा हूँ मैं, क्रीपर है। और भाई अगर आप देखोगे ना, ओ भाई वैसे इतना सेटअप नहीं है, पर आप देख ही सकते हो मेरे पास 2 डायमंड की स्वॉर्ड्स आ चुकी हैं, 2 डायमंड की पिकैक्सेस आ चुकी हैं, और 3 डायमंड एक्स्ट्रा पड़े हैं, और मेरे पास पूरा डायमंड का आर्मर है। यार मैं सही बताऊँ ना, इन सारी चीज़ों के साथ एक बार मेरे को खड़ना है वीडियो में, तब आएगी टावर टू तो मज़ा आएगा। नहीं डायमंड के पिकैक्स इधर लेंगे, ये आर्मर मैं थोड़ी देर के लिए पहन रहा हूँ बस। और फिर अभी मैं जा रहा हूँ F5 मतलब थर्ड पर्सन मोड में जा रहा हूँ मैं सेटिंग्स में, ठीक है। यार मैं देखूँ तो सही यार कितना अच्छा सा लगता है पूरा डायमंड का आर्मर, सर्वाइवल में पहनना भी बड़ा औखा होता है। और भाई ये सबूत इस वीडियो में कैप्चर हो चुका है कि मैं अभी तक क्रिएटिव में नहीं गया, तो ये ऐसे ऊपर सबूत आ जाता है कि इसमें अभी मैं अचीवमेंट्स ले सकता हूँ, वरना आता नहीं है लिखा हुआ। तो वीडियो में आता है ना वो, तो वीडियो किधर गई मेरी, फर्स्ट पर्सन से हम जाएंगे थर्ड पर्सन बैक में देखेंगे, नहीं यार फ्रंट में। भाई हेलो, ये देखो। और यार ये एलेक्स की स्किन रखी हुई है, पर मेरे को स्किन का इतना शौक नहीं है क्योंकि मैं इतना थर्ड पर्सन मोड यूज़ नहीं करता। यार बड़ा सही लग रहा है यार, अत सा मज़ा आ जाएगा ऐसे तो माइनक्राफ्ट खेल के, पर यार मुश्किल बड़ी होती है इस मोड में खेलना, चैलेंज ही होता है एक टाइप का। फर्स्ट पर्सन में चलते हैं क्योंकि आज ना हमको विलेज कम्प्लीट करनी है, और जो मैंने अभी विलेज बनाई थी ऑफलाइन, मेरे को ना भाई बड़ी पैड़ी लग रही है, सही में बड़ी बेकार लग रही है। तो अभी पहले मैं आर्मर पहन लूँ अपना नॉर्मल वाला। ये तो भी एंड ड्रैगन की फाइट के लिए पूरा मेरे को प्रिपेयर करना है, फिर इसको मैं पहनूंगा। और नेदर फोर्ट्रेस केव्स बहुत सारा इसके लिए पड़ा है कंटेंट, तो अब ये फिक्र मत करा करो कि माइनक्राफ्ट की वीडियो आएंगी कि नहीं। और यार ये 3 डायमंड का भी बताओ मैं क्या करूँ, अब सारा सेट भी आ गया मेरे पास डायमंड, बाहर रात हो रही है वैसे, मैं एक बार सो जाऊँ क्या। भाई चपटा सा घर लग रहा है मेरे को विलेजर्स का पूरा, तो हम ना पहले तो सामान पहले खुद ही ले जाते हैं सामान भी। ये देखो भाई स्टोन कितने सारे पड़े हैं, और भी मिल जाएंगे हमारे अगले फार्म से। लेवल भी मेरे पास 30 हो गया, मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम हुआ है ना शायद से, पक्का भी नहीं पता। तो अभी इतनी सारी स्टोन ब्रिक स्टेयर्स पड़ी हैं, ये पड़े हैं, और मेरे पास पड़े हैं कुछ लॉग्स भी, तो भी हमको क्या क्या और चाहिए। और ये मेरे को एक चौथा एंडर पर्ल भी मिल चुका है, एक एंडर ड्रैगन को। ओ यार एंडर ड्रैगन को नहीं, मेरा मतलब एंडर मैन को मारा था, उसने भी एक ग्रास ब्लॉक दिया। ज़्यादातर मेरे ग्रास ब्लॉक उठा लेते हैं भाई। सबसे पहला जड़ा एंडर मैन था जिसको मैंने आपके सामने मारा था, वो भाई मैंने प्लेटफॉर्म बनाया था ऊपर की डर्ट ही लेके भाग गया था मोटा था। तो अभी इतनी सी चीज़ें बहुत रहेंगी ना, चलो चलते हैं, और किसी चीज़ की कमी पड़ी तो आ जाएंगे वापस, इतना भी क्या आलस्य। चलो तो उधर को चलते हैं फिर, भागते भागते चलते रहो। यहाँ पे क्या है, लावा। ये लावा के कभी एक्सप्लोर करने से पहले ना मेरे को इसका लावा निकालना है बकेट में, ऐसे नहीं निकालना। और इसके नीचे क्या क्या पड़ा है भाई, हड्डियाँ और एरोस भाई कितने सारे पड़े हैं इसके अंदर, जो कि मैंने अपने पास नहीं रख रखे। गन पाउडर 62 पड़े हैं, सैंड ढूंढ के ना जब हम माइनिंग पे जाएंगे अगली बार नेदर में, तो सैंड ढूंढ के TNT बना के चलेंगे TNT माइनिंग पर,
और भाई आपको दिख तो गया ही होगा वो कैसा चपटा सा घर है मेरा। ये रहा मेरा फेंस गेट, चल बंद हो। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं अभी वैसे? और यार यहाँ पे हर जगह टॉर्चेस लगानी पड़ेंगी ताकि ज़ॉम्बी वगैरह न स्पॉन हो जाए उनके पास। और यार अभी तो हम लाए भी नहीं हैं, मैं क्या क्या सोच रहा हूँ पहले ही। तो स्टेयर्स हमको और चाहिए, क्राफ्टिंग टेबल हम लगा देंगे। एक काम करते हैं, क्राफ्टिंग टेबल को हम यहाँ लगा देते हैं और स्टेयर्स स्टोन ब्रिक कड़ी एरिए। यार मैं सही बताऊँ ना, मैं पता क्या करना चाहता हूँ, ये जैसे चपटा सा बड़ा लग रहा है ना, तो मैं सोच रहा हूँ उस साइड को बिल्कुल सेंटर में, जैसे चारों साइड से आता ना, मैं कैसे बताऊँगा आपको, बना के दिखाता हूँ आपको सीधा मैं। अभी उसके लिए मेरे को पहले ये करना पड़ेगा कि मेरे को ये चीज़ें हटानी पड़ेंगी। ये वुड भी हटानी पड़ेगी, हटाओ भाई हटाओ। और ये सभी मैंने स्ट्रिप किए थे, तो आप देखो ये तो सही लगते हैं मेरे को। तो मैं सही बताऊँ ना, पहले मैं इसको ऐसे गोला सा बना दूँ इस साइड से ऐसे। ताकि हम ऐसे से बढ़ा दें। यार यहाँ पे ना मेरे को सीढ़ियाँ सी बना लेनी चाहिए, मैं सही बताऊँ तो। पहले हम हटाएंगे ये वाले सारे के सारे लॉग्स। ये वाला लॉग भी हटाएंगे। और ये स्टेयर्स तो हमको हटानी पड़ेंगी, ये पक्का ही। इसको इधर ही लगाई रहने दो, एक ऐसे लगाएंगे। यार स्टेयर्स की ज़रूरत और है तो चलो यार नीचे फिर से। यार भाई 99 प्लस बन जाएंगे ये, वैसे इतने सारे स्टोन्स पड़े हैं मेरे पास, पर मैं बना के भी क्या करूँगा। जिन्हें स्टेयर्स बन रही है ना, मैं स्टेयर्स से सारी बना रहा हूँ अभी, क्योंकि दो घर तो आज ये बना के रहने हैं वीडियो में, अगर स्पेस की वजह जैसे ये ना रुके तो। और यार ये रिकॉर्ड हो जाए सही में, ब्रेन कोड यार इतनी सही बनी थी। घोड़ा गाय का बच्चा है, इतने सारे घूम रहे हैं यहाँ पे। चलो यार ये स्टेयर्स भी लगा देते हैं, लगा देते हैं, लगा देते हैं। और इन स्टेयर्स को भी उखाड़ लेते हैं हम, उखाड़ लेते हैं हम, उखाड़ लेते हैं हम। तो हम कैसे बढ़ाते रहना है इसको, ऐसे ऐसे और ऐसे। अभी हमको क्या करना है कि इन सभी को भी हटाना है। ये भी कैसे सा लगा हुआ, इसको भी हटाओ। ये कैसा बढ़ गया यार, सही है फिर भी, देखो तो सही। अब फिर भी ना यार पहले से सही लग रहा है। देखो ना इस साइड से भी, क्योंकि ऊपर को हो गया, इस साइड से भी हो गया, इस साइड से भी हो गया। मैं ना एक काम करता हूँ, इनको हटा देता हूँ, फिर देखते हैं कैसा लगेगा। यार ऐसे ज़्यादा सही लग रहा है, इनको मैं हटा रहा हूँ सारे के सारे पिलर्स को। अब देखते हैं ना ज़रा कैसा लग रहा है। और यार ये मेरे से स्ट्रिप होना कैसे रह गया, अभी फिर भी ठीक लग रहा है पहले से। तो ये सारे को हटाता हूँ अभी मैं। तो अभी बस इस साइड का हटाना, फिर देखते हैं अपना फाइनल प्रोडक्ट एक विलेज का। और यहाँ पे मेरे को ग्लासेस लगाने हैं, वो भी मैं तभी लगा सकता हूँ जब मेरे पास सैंड आएगी।
यार अब देखो वैसे अब पहले से सही लग रही है कि नहीं लग रही, नहीं लग रही। चलो ऊपर वापस। इनको हटाओ। मैं पता क्या सोच रहा हूँ, ये जड़ी जगह है ना, इसके अंदर हम नॉर्मल लगाते हैं ये वाले ब्लॉक्स 42 बड़े हैं ऐसे, फिर ज़्यादा सही लगेंगे, है कि नहीं? अगर मैं ऐसे करूँ तो फिर तो बिल्कुल भी सही नहीं लगेगा, लगेगा। अब जाके देखते हैं नीचे एक बार। अब यार फिर भी सही लग रही है, पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई है। अंदर का माहौल ज़रा देखा जाए, अंदर जाके सही है यार। चलो दूसरे घर का भी अभी फिर यही हाल करना पड़ेगा हमको। इसका अच्छा, इसका मैंने मूड सब बिगाड़ा नहीं हुआ था, इसलिए इसका बनाना ज़्यादा सही रहेगा। ये पूरा प्रोपोर्शनल है तो इसमें भी हम सारे कुछ सेम ही करेंगे जैसे इसमें किया था, ठीक है? ऐसे इसमें होता है, यहाँ पर लगाएंगे। यार एक तो ना ऊपर रुक के जंप करना पड़ेगा, मैं सोच रहा हूँ भाग के ऐसे जंप कर। हो गया भाई, ये यहाँ पे स्टोन ब्रिक के जा रहे हैं, अगर यहाँ पे ऐसे जा रहा तो अच्छा। ठीक ठीक ठीक, एक और जंप ऐसी, ठीक है। यार स्नीक करूँगा तो देखते हैं। हाँ नहीं यार, स्नीक स्नूक नहीं करना। तो यहाँ पे अभी हम इसको तोड़ देंगे ऐसे, हमको अभी एक पूरा घुप्पड़ से जैसा गोला बनाना है यहाँ पे। गाइस यार 55 सब्सक्राइबर जैसे मेरे पूरे हो गए हैं, तो उसके लिए थैंक्स। इसको हम तोड़ेंगे अब ऐसे, और इसे और इसे और इसे बनाएंगे हम, इसे इसे और इसे। ओह यार रात हो जाएगी ऐसी, मेरे को लग रहा है छाया सी पड़ने लग गई अब तो यहाँ पे। चलो गाइस यार, तो हमारा दोनों साइड का ये कंप्लीट हो गया। अभी इस पौड़ियों को भी हटाएंगे हम, और अभी रात इतनी भी नहीं हुई है। एक काम करते हैं, क्राफ्टिंग टेबल को ना हम यहीं छोड़ देंगे, और ये जड़े मैंने स्ट्रिप कर रखे हैं ना, इनको पहले मैं प्लैंक्स बनाऊं, इनसे बनाऊंगा मैं डोर्स। 6 बहुत हैं, 6 की वैसे जरूरत नहीं थी। चलो यार चलते हैं पहले वापस, वापस पहुँचने में मेरे को बड़ा टाइम लगता है, यहाँ से मेरा घर बड़ा दूर है, मतलब दिख जाता है, इतना भी दूर नहीं है, फिर भी टाइम बहुत लगता है। जंपिंग जपांग करे, जंपिंग जपांग, जंपिंग झपांग, भागते रहो। और हम सेफली अपने घर तक पहुंच गए हैं रात के टाइम में, और सो जाते हैं ताकि कोई भी मॉब स्पॉन ना हो। शायद से हो भी गए होंगे अभी तक। चलो यार एक और टर्न मार के आते हैं उस साइड पे, एक ही ट्रेन में मारेंगे और पहुंच जाएंगे। नहीं 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 मैं नहीं चाहता तू मेरा कुछ भी पाड़ दे यहाँ का।
भाई मेरे खेती से बाड़ी से मैं बड़ा हुआ ही है। ओ हेलो क्रीपर, ओहो क्रीपर, ओ प्यारे क्रीपर, थोड़ी स्पॉन हो जाएगा ना, फिर आएगा मजा। अरे हम ना अपनी फेंस पोस्ट के अंदर बढ़ जाते हैं, जहाँ पे हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये रही अपनी जगह, इसके अंदर भाई कोई हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकता। पर अगर अंदर कोई ना स्पॉन हुआ है मॉब तो और ही कहीं एक घर में क्रीपर ग्रुप। यार हम टॉर्चिस लगा के गए थे ना, इस साइड में लगेंगे डोर्स। तो जो मेरा मेन घर होएगा ना, वो होएगा इस साइड को सेंटर में, बड़ा घर बनाऊंगा उसको मैं। इनके ग्लासेस या ग्लास पेंस भी साइड में लगा दूंगा। यार देखो वैसे तुम ध्यान से, 2 मिनट ना खड़के देखो कैसी लग रही है मेरी विलेजेस। सही लग रही है ना, उनको मज़ा भी आएगा बैठने में। बेड तो दुनिया भर के बना दूंगा मैं। तो अभी बड़ी विलेज है तो ये बंगले टाइप बनानी है मैंने, तो कुछ ज़्यादा अच्छा सोचना पड़ेगा। ये वाली साइड भी हम खाली नहीं रहने देंगे, इस साइड भी हम जानवर जानवर बांट देंगे इनके लिए, फार्मिंग एरिया बना देंगे। ठीक है, पर यार एक तो ये स्पाइडर डैमेज कैसे हुआ यार, नीचे खड़ा था आराम से। यार मैं सही बताऊँ ना, स्पाइडर सी के बाद सुन के ना मेरा बड़ा क्रीपी सा हो जाता वो, मतलब कंबड़ियाँ सी छूट जाती हैं डर से, नहीं जैसे नॉर्मली बड़ा बेकार सा होता है स्पाइडर। चलो यार इन मॉब्स को मारते हैं। यार क्रीपर काश डिस्पॉन हो गया है, वो मर जाओ। और मैंने पानी इसलिए पोर करके रखा है वरना ही मर जाएंगे नीचे गिर के। मॉब ग्राइंडर है ये। नहीं यार इस साइड से नहीं मैं जा रहा हूँ, उनके रिपर का कोई भरोसा नहीं है। अभी डिस्पन हुआ भी होगा कि नहीं, मेरे खेतों से मैं गेड़ियाँ मार रहा था, वो हो गया शायद से डिस्पन, अब नहीं मार रहा गेड़ियाँ वगैरह। अगले एपिसोड में ना हम सैंड वगैरह मैं ढूंढ के रखता हूँ, ठीक है। एडवेंचर में जैसे हम गए थे तो मैं सैंड वगैरह ढूंढूंगा और उसको ग्लासेस में कन्वर्ट करूंगा और लगा दूंगा, ठीक है। और मैं तुमको दिखा दूंगा। और हम ब्लास्ट माइनिंग पे चलेंगे नेदर में, तो ये चीज़ें हम वापस रख देते हैं। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आपको मेरी माइनक्राफ्ट की बाकी वीडियोस भी पसंद आती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक करें, है ना। आपके लिए सही रहेगा क्योंकि आपको मेरे चैनल की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलती रहेगी। और यार ये महकला क्यों क्या नोटिफिकेशन जैसा कुछ बोल दिया मैंने, पता नहीं क्यों। ये एक बुक पड़ी है मेरे पास और लेदर पड़ा उसके अंदर मेरे पास। बुक शेल्फ्स का भी यार पंगा ही है ना, पूरा करना पड़ेगा सही से। चलो यार तो आप मुझको सजेशंस भी दे सकते हो, जैसे कुछ चैलेंजेस अगर आप चाहते हो। मैंने सारी टाइप के आपके लिए सीरीज स्टार्ट कर रखी हैं, स्काई ब्लॉक, वन ब्लॉक, माइनक्राफ्ट, क्योंकि आपको माइनक्राफ्ट बड़ी पसंद है, वो आपके मतलब रिस्पॉन्स से पता चलता है। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में सजेशन देते रहें मुझको। सो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।